देखो फंक्शनल ग्रुप में कहा था हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, तो मैं क्या करके सारे बताता हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा था एक्स, दैट इज हैलाइड ग्रुप। सेकंड हमने पढ़ा था OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। थर्ड हमने पढ़ा था SH मतलब मर्सेप्टन ग्रुप। चौथा हमने पढ़ा था वो OR मतलब अल्कोक्सी ग्रुप जिससे इथर बन रहा था। पांचवा हमने पढ़ा था COH मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। छठा हमने पढ़ा था COR यानी कीटोनिक ग्रुप। सातवा हमने पढ़ा था COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आठवां हमने पढ़ा था आठवां पढ़ेंगे COOR एस्टर ग्रुप। ठीक है, तो COOR एट्थ ग्रुप है, पहले सुन लो पहले डिटेल में सारा, उसके बाद लिखना एट द एंड। तो सिर्फ सुनते रहो कि समझ में कितनी बातें आ रही है मेरी आपको भी। कि COOR है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और OR, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसमें कार्बोनिल के एक तरफ OR अटैचमेंट करते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप एक तरफ लगा होता है। ठीक है, कार्बोनिल के एक जाने अल्कोक्सी OR आपको मिल जाए। इसी को हम लोग, ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरिक ग्रुप। ये एस्टेरिक ग्रुप कहलाता है। अब हम इसका कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, तो उसका कंपाउंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा क्या के COOR से पहले रेडिकल लगा देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा RCOOR, ये इस तरह से लिख सकते हैं RC OOR, दोनों सही एक ही बात है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है इस वक्त वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद, इस कंपाउंड का हम लोग कहते हैं एस्टर। एस्टर कंपाउंड है। एस्टर कंपाउंड को जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पर दो तरफ R इसके लगा होता है। इस तरफ R एटलीस्ट n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, और इस तरफ जो R है वो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, वजह क्या है, वजह अगर तो पूछे आपसे तो याद रखना, यहाँ पर अगर तुम वो 0 ले लोगे ये बन जाएगा COOH, एच आ जाएगा ना सिर्फ। R क्या है, लास्ट क्लास में बताया था CnH2n+1 पे अगर n की वैल्यू आप 0 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, H बच जाएगा सिर्फ, और सिर्फ H बच जाएगा तो ये COOH हो जाएगा, और COOH हो जाएगा तो पिछला वाला ग्रुप हो जाएगा, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इस वजह से कम 1 रखना है, और यहाँ पे हम 0 रख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके नोमेनक्लेचर जब हम नेमिंग करेंगे तो उसकी नेमिंग नोमेनक्लेचर किस तरह की जाती है, नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। तो हर तरह के आपको पता है कि दो नेमिंग हम लास्ट क्लास से कर रहे हैं, हमेशा हर एक कंपाउंड की दो नेमिंग हम कर रहे हैं। तो एक नेमिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज द कॉमन नेम। देखिए दूसरा नाम हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं, दैट इज IUPAC नेम। ठीक है, अब कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों में हम उसको एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक है, कॉमन में भी हम इसको बोलते हैं अल्काइल अल्कानोएट, और इसमें भी हम लोग कहते हैं अल्काइल अल्कानोएट। तो इसका मतलब इसका जो सफिक्स आ गया वो आ गया ओएट, ओएट आ गया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि OH का सफिक्स था ओल। ठीक है, इस तरह से एस्टर का, सॉरी एल्डिहाइड का सफिक्स था अल, और COR का था केटोन का था ओन, और इसका था ओइक एसिड, और COOR का क्या है ओएट। और कुछ के प्रीफिक्सेस होते हैं जो पहले लगते हैं, जैसे इसका प्रीफिक्स है हेलो, और OR इसका प्रीफिक्स है अल्कोक्सी, ये शुरू में लग रहा होता है। कुछ के सफिक्स होते हैं और कुछ के प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अल्काइल अल्कानोएट ये भी है, अल्काइल अल्कानोएट ये भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जब हम अल्कानोएट बोलेंगे तो यहाँ पर हम इंग्लिश के बजाय ग्रीक नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, और ग्रीक नंबर सिस्टम के बारे में कल मैंने आपको बताया था, अगर वन लिखना है तो 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो एसिड, 3 लिखेंगे तो प्रोपायोन, 4 लिखेंगे तो ब्यूटाइल, 5 लिखेंगे तो वेलर, 6 लिखेंगे तो कैप्रो। ये जो है वो 6 नंबर्स हैं इन ग्रीक नंबर सिस्टम्स। अब आते हैं मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं नीचे आधे बोर्ड पर, और उसके नाम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड हम सिंपलेस्ट कंपाउंड उठाते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर OCH3। सिंपलेस्ट है, इससे आसान नहीं हो सकता। यहाँ पर n इक्वल टू 0 रख दिया, यहाँ पर n इक्वल टू 1, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिख देते हैं OCH3 OC2H5। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हम लिख देते हैं C3H7 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लिख देते हैं OC5
H11 इसमें नहीं, इसमें नहीं होता ये, इसमें सेम हो सकता है बट बोलते नहीं इसमें हमसे मेट्रिकल असमेट्रिक। अब यहाँ पर नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग का बड़ा मसला है। देखो कार एक दो चेन चल रही है, दो चेन इसके अंदर चलेगी, डबल चेन है ठीक है, यहाँ पर चेक कर लो सेकंड में देखो डबल चेन चल रही है, एक चेन ये चल रही है सीधी सीधी जा रही है। अच्छा लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस कार्बन की चेन होती है, अब कार्बन यहाँ पे नहीं आया ऑक्सीजन आया तो यहाँ से चेन को वापस मोड़ लेंगे, एक चेन यहाँ चली और एक चेन यहाँ से चलेगी C2H5 की और यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे जो ऑक्सीजन चेन को ब्रेक कर देता है। तो डबल चेन आप देख सकते हैं, एक चेन यहाँ चल रही है और एक चेन यहाँ चल रही है, एक चेन में कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन आ रहा है और एक में कार्बोनिल का कार्बन नहीं आ रहा है। जिस चेन के अंदर कार्बोनिल का कार्बन नहीं आता उसको हम लोग नाम देते हैं, वो चेन होता है अल्काइल, और ये वाला जो चेन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्कानोएट। ठीक है बस समझ आ रही है। अब इसको मैं मिसाल के तौर पर मैं नेम लिखता हूँ, अब यहाँ पर है अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल क्या है मिथाइल एक कार्बन है और अल्कानोएट क्या है एक ही कार्बन पर है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं बोलेंगे मतलब वोट आ देंगे फॉर्मेट बोलेंगे। ठीक है ऐसा यहाँ पर देख लो ये क्या कहलाएगा, ये वाला चेन अल्काइल चेन क्या नाम है इसका इथाइल और दो कार्बन है यहाँ पर, ओके गुड दिस इज इथाइल एसीटेट, ये एस्टर बन गया। इस तरह से ये कंपाउंड देख लो क्या है C5H11 पेंटाइल और ये चार कार्बन है, ब्यूटाइल होता है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइरेट, पेंटाइल ब्यूटाइरेट, तो ये इसका नाम हो गया आपका IUPAC में। अब आ जाओ कॉमन में, सॉरी अब आ जाओ IUPAC नेम के लिहाज से, तो सेम होगा अल्काइल तो नेम सेम है मिथाइल, अब जब फॉर्मेट को क्या बोल दो इसके जो नॉर्मल ऑर्गेनिक में जो नेम होता है मिथाइल मिथानोएट, सेकंड क्या हो जाएगा इथाइल एसीटेट के बजाय इथाइल एसिड मतलब दो दो का इथाइल इथानोएट। ठीक है इस तरह से ये क्या हो जाएगा पेंटाइल, पेंटाइल और टोटल चार कार्बन है तो फिर ब्यूटानोएट। उसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस यहाँ पर अल्कानोएट जब लिखेंगे तो फॉर्मेट एसीटेट ब्यूटायरेट प्रोपायोनेट, सॉरी फॉर्मेट एसीटेट प्रोपायोनेट ब्यूटायरेट वैलेरेट कैप्रोएट, ये हो गया ग्रीक में यूनानी जबान में, और जब हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जबान में लिखेंगे तो मिथानोएट इथानोएट प्रोपानोएट ब्यूटानोएट पेंटानोएट हेक्सानोएट हेप्टानोएट ऑक्टानोएट नोनानोएट डिकानोएट ऐसे चलेगा। सही है मैं तो यहाँ पर इसलिए मिथानोएट इथानोएट प्रोपानोएट ब्यूटानोएट पेंटानोएट हेक्सानोएट ये चला रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मेट एसीटेट ब्यूटायरेट प्रोपायोनेट वैलेरेट कैप्रोएट ये चलेगा। मतलब ये मैंने बता दिया कोई नई बात नहीं कर रहा, दो गुज़िश्ता 3-3.5 घंटों से यही काम कर रहे हैं अभी हम। ठीक है तो समझ में आ गई बात मेरे एस्टर के नाम किस तरह से हम करते हैं, तो यहाँ पर अल्काइल चेन का नाम तो अल्काइल लिखाएगा और दूसरा चेन जो उल्टे हाथ पे चलेगा वो चेन हो जाएगा आपका अल्कानोएट। आई ग्रीक कॉमन नेम में क्या होगा अल्कानोएट को हम लिखेंगे किस तरह से ग्रीक नंबर में फॉर्मेट एसीटेट प्रोपायोनेट ब्यूटायरेट वैलेरेट कैप्रेट और हम उसमें क्या करेंगे IUPAC में हम मिथानोएट एथानोएट प्रोपानोएट ऐसे लिखेंगे। बस समझ आ गई।